डिस्टेंस सेंसर आजकल बहुत सारा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। कहां पे आप मटेरियल को टच से होके सेंस नहीं कर सकता है और नजदीक से सेंस नहीं कर सकता है, वो जगह पे हम डिस्टेंस सेंसर यूज कर सकता है। इसमें कैलिब्रेटर लेजर बीम रहता है, वो बीम डिस्टेंस को सेंस करता है कब ऑब्जेक्ट आपका सेट डिस्टेंस के अंदर आएगा। लेजर बीम रिफ्लेक्ट होके आपको आउटपुट देता है, NO to NC और NC to NO होके फीडबैक देता है। OID 200 लेजर टाइप डिस्टेंस सेंसर, PNP टाइप 4 वायर सेंसर। आगे में वेल ग्लास्ड लेजर एमिटर मिलता है। बैक साइड में केबल कनेक्ट करने के लिए 4 पिंस टर्मिनल्स मिलता है। 2 इंडिकेटर्स है, एक पावर ऑन का और एक आउटपुट ऑन का। डिस्टेंस सेट करने के लिए आपको एक डिस्टेंस स्केल रिंग मिलता है, बैक साइड में लॉकिंग रिंग रहता है। इसमें मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर तक हम डिस्टेंस सेट कर सकता है। डिस्टेंस सेट करने का रिंग को आप रोटेट करके कितना डिस्टेंस में आपको सेंसर आउटपुट देना है वो आप सेट कर सकता है। सेट करने के बाद बैक से लॉकिंग रिंग को रोटेट करके आप लॉक कर सकता है। लॉक रिलीज किया तो उसको फिर से रोटेट कर सकता है। जब तक लॉक रहेगा रोटेट करने को नहीं होता है। फोर पिन का 4 वायर केबल कनेक्टर्स आता है OID 200 सेंसर के लिए। इसमें 4 वायर्स रहता है, आप देख सकते हैं इसमें 4 कलर्स का वायर्स आता है। ब्राउन कलर फॉर पॉजिटिव 24 वोल्ट, ब्लू कलर फॉर नेगेटिव 24 वोल्ट, ब्लैक कलर फॉर नॉर्मली ओपन आउटपुट, व्हाइट कलर फॉर नॉर्मली क्लोज आउटपुट। ये जो 4 वायर सिस्टम सेंसर में ये 4 कलर्स कॉमन है। सेंसर का टर्मिनल साइड और कनेक्टर दोनों में लॉकिंग स्लॉट आएगा, दोनों को मैच करके चिपनेट को टाइट करना है। फुल टाइट करने के बाद अभी हमारा सेंसर कनेक्शन के लिए रेडी है। पॉजिटिव 24 वोल्ट में ब्राउन कलर केबल देने का, नेगेटिव 24 वोल्ट में ब्लू कलर केबल देना है और ब्लैक कलर केबल फीडबैक कनेक्टर में देना है। फीडबैक कनेक्टर लैंप के साथ कनेक्ट किया हुआ, जब सेंसर आउटपुट देगा लैंप ग्लो होता है। NO to NC ओके। सप्लाई ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं अभी ऑब्जेक्ट बीम के बीच में हमारा सेटिंग डिस्टेंस के अंदर आया तो आपको लैंप ग्लो होता है। NO to NC ओके। सेंसर में भी ऑरेंज कलर इंडिकेशन ग्लो होता है जब सेंसर सेंस हुआ तो। अभी डिस्टेंस हम लोग कम कर रहा, पहले का सेटिंग से अभी कम कर रहा सेटिंग। सेटिंग करके बाद में लॉक करना पड़ेगा। अभी सेटिंग कम किया है, अभी देखिए प्रीवियस जगह पे सेंसर आउटपुट नहीं दे रहा है। प्रीवियस डिस्टेंस में सेंसर आउटपुट नहीं दे रहा है। जब हमारा सेटिंग रेंज के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा लैंप ग्लो होता है। NO to NC ओके। डिस्टेंस से आगे ऑब्जेक्ट आएगा तो आउटपुट नहीं देगा। ब्लैक कलर केबल को निकाल के व्हाइट कलर केबल कनेक्शन दिया तो सेंसर NC मोड को चले जाता है
अभी से अपना ऑन किया तो लैम्प कंटिन्यू ऑन रहता है क्योंकि नॉर्मली क्लोज्ड रहता है, जब ऑब्जेक्ट आएगा एनसीएनओ होके लैम्प ऑफ हो जाता है।